how we calculate t-test now we can use uh, spss and we can do it pretty quickly with just one click but still uh, we need to you know know the logic behind where the values are coming from where the t value standard error difference value is coming from so we will first do it manually so you get the concept get the understanding and then we will go uh, you know through spss how we calculate it so basic formula hai, jo independent sample jo one sample t-test remember कि मीन माइनस म्यू यानी हम सैम्पल की वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू या जो पॉपुलेशन की वैल्यू या जो हमें स्टैंडर्ड दिया होता है उसके बाद हम उसको स्टैंडर्ड एरर पे डिवाइड करते हैं सेम इजाम्पन फॉर द इंडिपेंडेंट साम्पल टी टेस्ट लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हमारे पास दो सैम्पल्स होते हैं सैम्पल वन सेम्पल टू यानी ग्रुप वन ग्रुप टू जिनको हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देखें इधर फार्मूला वही है कि ये आपका सैम्पल का है डिफरेंस और ये आपका पॉपुलेशन का डिफरेंस है और डिवाइड हम उसको स्टैंडर्ड एरर से ही कर रहे हैं सिंपली इसमें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं मीन वन माइनस मीन टू क्योंकि ये फिगर हमें पॉपुलेशन का नोन ही नहीं है बट वी आर इंटरेस्टेड मेनली इसके हम ग्रुप वन और ग्रुप टू में डिफरेंस देखें कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है सो वी आर कंपेयरिंग फॉर इंस्टेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स सो बॉयज़ का मीन कितना है गर्ल्स का मीन कितना है एंड वी विल डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस मीन डिफरेंस कितना है तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला याद भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर है क्या तो स्टैंडर्ड एरर बेसिकली इज़ द अमाउंट ऑफ एरर दैट इज़ एक्सपेक्टेड क्योंकि हम सैम्पल से पापुलेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं हमने एक सैम्पल की वैल्यू फाइंड आउट की कि बॉयज़ और गर्ल्स में इतना डिफरेंस मेरे सैम्पल में आया है बट अगर हम पूरी पॉपुलेशन स्टडी करें तो डेफिनेटली देर इज़ अ वैल्यू दैट एग्जिस्ट विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप वी कैन नॉट एक्चुअली स्टडी वी कैन नॉट टेक द इंटायर पॉपुलेशन एंड स्टडी दैट सो वी आर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन डिफरेंस विद द सांपल डिफरेंस सो दे आर डेफिनेटली गोना बी एरर इन बिटवीन हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर सकते प्रोडिक्ट अनलेस हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें सो इट इज़ द Uh, amount of error that is expected when we are estimating population mean difference from the sample mean difference. calculate? Uh, each of the uh, two samples means represents its own population mean, but each case uh, there is some error. मीन वन अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं मीन uh, वन से पापुलेशन वन को और मीन टू से पापुलेशन टू को फॉर इंस्टेंस ये गर्ल्स की है ये बॉयज़ की है आप सैम्पल से पापुलेशन की यानी लार्जर को एस्टिमेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों में एरर होगी यानी दोनों का हमें एरर और वेरियंस कैलकुलेट करना पड़ेगा um,

हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे मीन uh, वन और मीन टू का मीन वन माइनस मीन टू और उसको हम डिवाइड करेंगे एस यानी वेरिएंस ऑफ वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वेरिएंस ऑफ टू डिवाइडेड बाय एन टू ये हमने पहले भी किया हुआ है और आई एम श्योर कि अगर आप पिछले लेक्चर जाके देखेंगे तो यू कैन रिकॉल दैट और वेरियंस uh, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस का फार्मूला भी यू शुड रिमेम्बर वेरिएंस बेसिकली वेरिएबिलिटी है डिफरेंस है ऑफ ईच स्कोर फ्रॉम द मीन हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस मीन यानी हर स्कोर का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं उसकी मीन से हम उसको स्क्वायर करते हैं और फिर हम उसको एन से डिवाइड कर देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से जिसको हम वेरिएंस कहते हैं राइट right? और अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाती है सो सिंपल इधर भी अंडर रूट लें इधर भी तो हम इसको ख़त्म कर देंगे और वो हमारा बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन और उसको हम स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे सिंपल अच्छा टी टेस्ट में एक तरीका ये है कि हम उसको पूल्ड वेरिएंस निकाल लें बजाय हम हर ग्रुप का वेरिएंस निकालने के ग्रुप वन और ग्रुप टू का हम उसका पूल कर लें क्योंकि वट आई हैव टोल्ड यू कि हम उसमें कम्बाइंड एरर देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स के लिए आ, कितना एरर है ग्रुप वन जब पॉपुलेशन वन को प्रोडिक्ट कर रहा है एस्टिमेट कर रहा है और ग्रुप टू पॉपुलेशन टू को कर रहा है तो उसमें पूल्ड वेरियंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं और पूल्ड वेरियंस के लिए फार्मूला जो है वो आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है जिसमें आप अच्छा एक ये भी बात है कि हम अभी मैंने वेरियंस निकाला है और मैंने आपको बताया कि वेरियंस इज़ इक्वल टू एक्स माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन तो ये जो एक्स माइनस मीन स्क्वायर है इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वास तो इसको हम एस एस भी कहते हैं राइट right? इसको एस एस या फिर सम ऑफ स्क्विएशन भी कहते हैं पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन का मतलब है कि ये एक्स माइनस मीन स्क्वायर बाई एन जो है दिस इज कॉल्ड एस एस तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेरियंस को इज़ इक्वल टू एस एस डिवाइडेड बाई एन तो बजाय एक्स माइनस मीन स्क्वायर लिखने के यू कैन राइट एस एस ओवर एन सो फॉर पूल्ड वेरियंस वट वी डू उसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं एस स्क्वायर पी विच इज मीन पूल्ड वेरियंस एस स्क्वायर इज ऑलवेज वेरियंस पी स्टैंड फॉर पूल इसमें आप समय ग्रुप वन का लेते हैं सम ऑफ स्क्ट ग्रुप टू का लेते हैं और उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रुप वन के साथ और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रुप टू के साथ डिवाइड करता है राइट और उससे हमारे पास पोल्ड वेरिएंस कैलकुलेट हो जाता है uh, ये एक एग्जांपल है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पोल्ड वेरिएंस कैसे निकालते हैं तो आपके पास दो ग्रुप्स हैं फर्स्ट साम्पल है सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन उसकी फिफ्टी हैं और सेकेंड साम्पल जो है उसका एन सिक्स है और उसके जो सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन्स हैं एस एस है वो थर्टी है द टू सैम्पल्स वेरियंसिस uh, कैसे निकालेंगे हम लेट्स डू इट तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो ये थी कि हमारे पास एस एस ग्रुप वन का ये हमारा ग्रुप वन है और इसका हमें एस एस दिया हुआ है कितना uh, पीछे उसने दिया है फिफ्टी और उसने हमें एन वन दिया हुआ है तकरीबन तो सिक्स और इसी तरह ग्रुप टू के लिए एस एस उसने दिया हुआ है यानी सामो स्क्वायर डिविएशन थर्टी और हमें एन टू उसने दिया हुआ है सिक्स सो so, पहले तो हम इनका अलग से वेरिएंस निकाल लेते हैं और आपको वेरिएंस पता है दैट इज़ इक्वल टू एस एस ओवर एन मैंने अभी आपको बताया भी है इसमें बल्कि हम चूँकि अनबायस्ड एस्टिमेशन करते हैं इसलिए बेहतर है कि हम उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ ही करें सो स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विच इज़ इक्वल टू फिफ्टी और सिक्स माइनस वन इज़ फाइव और अगर हम फाइव को डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा टेन तो पहले ग्रुप का हमारा वेरिएंस 10 है और अगर हम दूसरे ग्रुप का वेरिएंस कैलकुलेट करें तो दिस इज एस एस एन माइनस वन और ये हमारा आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 6 तो इन दोनों ग्रुप्स का हमने कर लिया लेकिन अब पूल्ड वेरिएंस के लिए यानी अगर हमने इनका दोनों को इकट्ठा करना है तो उसका हमने फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया है कि हम समयर वन डिवाइडेड बाय एन वन माइनस वन प्लस सम ऑफ squared टू divided by एन टू माइनस वन और इसको वैल्यूज प्लग इन करेंगे एस एस की वैल्यू आपकी वन की फिफ्टी है और एन वन माइनस वन इज़ इक्वल टू फाइव और फिर आपकी दूसरे की जो है वो दैट इज़ थर्टी और आपका अगेन फाइव है विच इज़ इक्वल टू एटी डिवाइडेड बाय टेन इट इज़ इक्वल टू एट तो आप देखेंगे ग्रुप वन में वेरिएंस टेन था ग्रुप टू का सिक्स है लेकिन पूल वेरिएंस जब हमने किया तो दैट इज़ लाइंग समवेयर इन द मिडल ऑफ द बोथ सो जब हमारा एन साइज इक्वल होता है दोनों ग्रुप्स में यानी ग्रुप वन में भी छः लोग थे और ग्रुप टू में भी छः लोग ही हमने लिए हैं तो वेन वी हैव इक्वल सैम्पल साइज यूजअली आपका जो पूल वेरियंस है वो लाए करता है इन द मिडल ऑफ द टू इंडिपेंडेंट जो ग्रुप टू के वेरियंसिस हैं उनके दरम्यान में करता है इसी तरह अगर हमारा अन एकवल साइज़ का वेरियंस हो यानी हमारे सांपसाइज़ अन एक बहुत से केसेस में वेन वी आर स्टडिंग फॉर एग्जाम्पल मेरिड अनमेरिड वर्किंग नॉन वर्किंग स्पोर्ट्स जो करते हैं और जो नहीं करते यूजली हमारे दोनों ग्रुप्स में एन साइज़ इक्वल नहीं होता जब एन साइज़ इक्वल नहीं होता और हम पुल्ड वेरियंस कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमारा इस तरह होता है कि यूजली uh, जो वेरियंस पूल्ड की वैल्यू आती है दैट इज़ मोर टिल्टेड क्लोज़र टूवर्ड द वन विच इज़ लार्जर साम्पल जैसे अब अगर फर्स्ट करें ये हमारे पास दो साम्पल्स ये हुए एक का एन थ्री है और दूसरे का एन नाइन है अगर हम दोनों का इंडिपेंडेंट वेरियंस निकालें जैसा हमने पहले निकाला है वन uh, का और फिर वेरियंस हम निकालें टू का तो अब हमारा जो पूल्ड वेरियंस उसी फार्मूला से जो हमने पीछे लिख के किया है दैट विल बी मोर क्लोज़र टूवर्ड Uh, the group variance which has a larger N. So this group ka jo variance, aega, jiska N9 is close. Let's do grab a copy in a pencil and calculate the pool variance for this one where we have unequal sample sizes in the two groups. Do let me know the answer and pause the video, please. So, did you calculate the answer? I'm sure yes. और बिल्कुल आपने सही जवाब निकाला है हमारे पास जो ग्रुप वन का वेरिएंस कैलकुलेट करके आया है हमारे पास वो है टेन और ग्रुप टू का जो वेरिएंस है हमारे पास कैलकुलेट करके आया है सिक्स और जब हमने उसका पूल वेरिएंस निकाला है तो दैट एक्चुअली इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट एट और जो मैं आपको बात बता रही थी कि ग्रुप टू हमारे पास इसका एंड साइज़ क्या था नाइन था और इसका एन साइज हमारे पास थ्री था तो ग्रुप टू में वेरिएंस सिक्स है तो हमारा पोल वेरिएंस भी क्लोज़र आई है वैल्यू उस ग्रुप के वेरिएंस के साथ जिसका एन साइज बड़ा था सो so, हमने बेसिकली स्टैंडर्ड एरर के लिए पूल वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो एस्टिमेटिंग स्टैंडर्ड एरर किस तरह हम करेंगे उसका फार्मूला हमारे पास ये है सो so, सिंपली आपने ऊपर uh, हम मीन वन माइनस मीन टू यानी हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे और उसका जो पूल्ड वेरिएंस का या स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है वो टोटल आपका पुल्ड वेरिएंस आपकी वन डिवाइडेड बाय एन वन और पुल वेरिएंस टू डिवाइडेड बाय एन टू अब आप पूछेंगे पूल वेरिएंस वन और टू का क्यों क्योंकि आपने uh, दोनों जगह एक ही वैल्यू प्लग इन करनी है क्योंकि आपने दोनों को इकट्ठा कर लिया सो यू विल राइट द सेम वैल्यू फॉर ग्रुप वन एंड राइट द सेम वैल्यू फॉर द ग्रुप टू इस फॉर्मूला को याद रखें एंड लेट्स डू वन फुल्लज टी टेस्ट क्वेश्चन यूजिंग इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस एंड देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बाय पुटिंग द वैल्यूज फॉर पूल्ड वेरियंट सो दिस इज एन एग्जाम्पल इन अ स्टडी ऑफ ज्यूरी बिहेवियर टू सैम्पल ऑफ पार्टिसिपेंट्स एट ईच तो दो सैंपल हैं दोनों सैंपल में आठ आठ लोग हैं एन साइज हमारा एट है वर प्रोवाइडेड डिटेल्स अबाउट अ ट्रायल इन विच द डिफेंडेंट वॉज ऑब्वियसली गलती ऑल दो ग्रुप टू रिसीव द सेम डिटेल्स एज ग्रुप वन बट द सेकेंड ग्रुप वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट सम एविडेंस हैड बीन विदहेल्ड फ्रॉम द जूरी बाय द जज सो ओनली डिफरेंस दोनों ग्रुप्स में है कि उनको उन्होंने बताया कि कुछ एविडेंस विद हेल्ट की गई है फॉर ग्रुप वन एम इज़ इक्वल टू थ्री एंड सम ऑफ स्क्वायेर डिविएशन इज इक्वल टू सिक्सटीन और ग्रुप टू का जो मीन है वो सिक्स है और उनमें सम ऑफ स्क्वायेर जो है दैट इज ट्वेंटी फोर इज़ देयर आ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स इन देयर रिस्पॉन्स तो दोनों ग्रुप्स ने अपने अपने रिस्पॉन्स देने हैं दोनों ग्रुप्स को एक जैसा एविडेंस दिया गया लेकिन एक को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है और देखना यह है कि इन दोनों ग्रुप्स की रेटिंग्स में क्या फ़र्क है सो वी विल कंपेयर ग्रुप वन विद द ग्रुप टू यूजिंग इंडिपेंडेंट सैम्पल बिकॉज बोथ सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंट दे आर डिफरेंट पीपल इन द ग्रुप्स लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल तो हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्या है हमारे पास मीन वन दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू थ्री हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फॉर ग्रुप वन दी हुई है विच इज़ सिक्सटीन और हमारे पास एन साइज दिया हुआ है वन का विच इज़ इक्वल टू एट इसी तरह हमारे पास ग्रुप टू के लिए हमारे पास मेन जो दी हुई है ग्रूप टू की सिक्स है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ग्रुप टू का ट्वेंटी फोर है और हमारे पास जो एन टू दिया हुआ है दैट इज़ ऑल्सो क्योंकि दोनों ग्रुप्स में आठ आठ लोग हैं तो सबसे पहले अगर आप कैलकुलेट करेंगे वेरियंस फॉर बोथ द ग्रुप्स आप इसमें वैसे दोनों ग्रुप्स का खुद करके देख सकते हैं फॉर्मूला के साथ जो मैंने आपको अभी बताया है कि सम ऑफ स्क्वायर्ड वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन और इसी तरह आप दूसरे ग्रुप का भी वेरिएंस निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ सेकंड ग्रुप्स डिवाइडेड बाय एन टू माइनस वन लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि हम इसमें पूल्ड वेरियंस अगर यूज़ कर लें तो दैट इज़ मच ईजी सो यू कैन डू इट सेम आंसर आएगा लेकिन हम इसके अंदर पूल uh, वेरिएंस को ही uh, डालते हैं और पूल वेरिएंस का ये वेरिएंस का साइन है और ये पी का साइन है और हमें पता है कि उसके लिए फार्मूला है एस एस वन प्लस एस एस टू डिवाइडेड बाई एन वन माइनस वन एन प्लस एन टू माइनस वन तो यू प्लग्ड इन द वैल्यूज़ हमारे पास एस एस वन सिक्सटीन है हमारे पास दूसरे ग्रुप का डिविएशन सम ऑफ स्क्वायर्स ट्वेंटी फोर है और ये हमारा सेवन प्लस सेवन है विच मेक्स फोर्टी डिवाइडेड बाय फोर्टीन एंड इट इज़ इक्वल टू अगर आप डिवाइड करें तो टू पॉइंट एट सिक्स बनता है तो so, हमारी टी का फॉर्मूला है मीन वन माइनस मीन टू डिवाइडेड बाय वेरिएंस पूल्ड वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस पूल्ड वेरियंस टू डिवाइडेड बाय एन टू एन अंडर द रूट So this is standard error of the difference, and this is the mean difference of the two groups. So you can put the values, plug in the values, and then you can calculate the t value. But even more important than that is that we have to make a null hypothesis, and then we have to make an alternative hypothesis. Our null hypothesis is that mean one is equal to mean two, and our alternative is that mean one is not equal to मीन उसके बाद हमने टी की क्रिटिकल वैल्यू देखनी है टेबल वैल्यू बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप जी की वैल्यू देखते हैं और आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में भी पीछे टेबल पे जाके आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में अल्फा पॉइंट जीरो फाइव के ऊपर टी की वैल्यू देखनी है यू नो दिस गेट द टेबल एट द बैक ऑफ द बुक सी द टी टेबल लुक एट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी होंगी एट प्लस एट माइनस टू सो सिक्सटीन माइनस टू इट इज फोर्टीन तो फोर्टीन डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर आप टी की वैल्यू अल्फा पॉइंट जीरो फाइव पर जाकर के देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट वन फोर फाइव प्लस माइनस का मतलब है कि वो चूंकि हमने कहा है नॉट इक्वल टू तो दैट कैन लाई ऑन ईदर टेल वो टेल के इस तरफ भी आ सकती है और इस तरफ भी आ सकती है तो so, अब आपने इस वैल्यू से अपनी कैलकुलेटेड टी की वैल्यू को कंपेयर करना है अब मैं इसी के अंदर वैल्यूज प्लग इन करूंगी मीन वन मेरा थ्री है और मीन वन इज थ्री मीन टू इज सिक्स डिवाइडेड बाय पूल वेरिएंस मैंने निकाली है कितनी टू पॉइंट एट सिक्स डिवाइडेड बाय कितना हमारा एन है एट आपने दोबारा इसमें से एन माइनस वन नहीं करना क्योंकि आपने यहाँ पे एन माइनस वन कर दिया हुआ है तो आपने पूल वेरिएंस जब लिखना है तो आपने सिंपल उसके नीचे एन वन लिखना है विच इज़ एट और फिर इसी तरह टू पॉइंट एट सिक्स डिवाइडेड बाई एट और आप उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वेन यू विल कैलकुलेट दीज वैल्यूज इसका आ जाएगा पॉइंट सेवन वन थ्री अंडर रूट जब लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट एट फाइव तो थ्री माइनस सिक्स इज माइनस थ्री और इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो आता है पॉइंट एट फाइव तो माइनस थ्री डिवाइडेड बाई पॉइंट एट फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री पॉइंट थ्री फाइव तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे आ रही है दैट इज टू पॉइंट वन फोर ये अब हमने देखना है कि हमारी माइनस थ्री पॉइंट थ्री फाइव वैल्यू कहाँ पे फॉल करती है तो वो नेचुरली हमारी इधर फॉल करेगी एंड यू रिमेंबर कि दिस इज़ अ रिजेक्शन रीजन रिजेक्शन रीजन फॉर नल हाईपोथसिस सो द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ फॉलिंग इन द रिजेक्शन रीजन सो वी विल रिजेक्ट दम नल हाइपिस जिसका मतलब है कि हम ये कह नहीं सकते कि मीन वन इज इक्वल टू मीन टू हम कहेंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रेटिंग ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू